अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे जो बाकी पेयर्स होते हैं उनके लेवल भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं मैंने, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं आज के कैलेंडर पर और देख लेते हैं कि आज कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डाटा है। आज है जी फ्राइडे नवंबर 12। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो यूएस की साइड पर जॉब ओपनिंग नंबर्स हैं, मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट है, मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं और उसके साथ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन नंबर्स भी हैं और एक एफओएमसी मेंबर विलियम की स्पीक है। तो इस दौरान आप ख्याल कीजिएगा, मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी चलते हैं जी हम गोल्ड के चार्ट पर। तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन 1857 के आसपास चल रहा है। तो आज हमारे गोल्ड में क्या लेवल होंगे वो हम देख लेते हैं। बाकी डिटेल से अब डिस्कस हम कल की वीकली वीडियो में ही करेंगे। तो आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं। आज की रेजिस्टेंस हमारी रहेगी गोल्ड में 1871 की हमारी आज गोल्ड में रेजिस्टेंस रहेगी। इसके ऊपर गोल्ड 1875, 1880, 1884 और 1878 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर हमारी जो सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1843 इंटरडे के लिहाज से, ये वाला लेवल। अगर गोल्ड ये लेवल ब्रेक करता है तो गोल्ड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट 1832-34 यानी कि 1832-34 का जो एरिया है उसको जाकर टेस्ट कर सकता है। बाकी इंट्राडे के लिहाज से जो गोल्ड का ट्रेंड है वो फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है। ये है जी यूरो का चार्ट। यूरो इस वक्त 1440 के आसपास चल रहा है। तो आज क्या रेजिस्टेंस और क्या लेवल हमारे रहेंगे यूरो में वो हम देख लेते हैं। आज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी यूरो में 1485 की। अगर यूरो 1485 ब्रेक करता है तो 1500, 1525 और 1550 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज यूरो में वो रहेगी 1400 की। इसके नीचे 3910 और 3970 तक जा सकता है। फिलहाल जो यूरो का ट्रेंड है वो वीक बना हुआ है। ये है जी पाउंड 33.65 के आसपास चल रहा है। तो आज क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट हमारी रहेगी पाउंड में वो हम देख लेते हैं। आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी पाउंड में वो रहेगी 3410-25 का एरिया। ऊपर फिर 3450 और 3500 की तरफ जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज वो रहेगी 3310 की। इसके नीचे फिर 3300 और 3270-3250 की तरफ जा सकता है। फिलहाल भी जो पाउंड का ट्रेंड है वो वीक ही चल रहा है। ये है जी यूएसडी जेपीवाई 114.20 के आसपास चल रहा है। तो आज इसमें हमारी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई में ये मेंशन भी क्यों है वैसे भी साथ साथ आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी यूएसडी जेपीवाई में वो रहेगी 114.60-65 का जो एरिया है। इसके ऊपर 115 और 115.20 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी या यूएसडी जेपीवाई में वो रहेगी 113.80-75 का जो एरिया है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 113.55, 113.40 और 113.20 तक जा सकता है। फिलहाल यूएसडी जेपीवाई का ट्रेंड जो है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव है। ये है जी सिल्वर 25.20 के आसपास चल रही है। गोल्ड की तरह
ये भी अपने पॉजिटिव जोन में चल रही है फिलहाल। इसमें हमारे आज क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। सिल्वर में आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी $25.35 की, ऊपर 25.50, 25.80 और $26 की तरफ जा सकती है। दूसरी साइड पर जो हमारी स्पोर्ट रहेगी सिल्वर में वो रहेगी 24.80-85 का जो एरिया है, इसके नीचे सिल्वर 24.50, 24.30 और $24 की तरफ जा सकती है। फिलहाल जो सिल्वर का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही चल रहा है। यह है जी यूएस आयल $81 के आसपास चल रहा है। इसमें हमारे आज क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। इसमें जो आज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी क्रूड ऑयल में वो रहेगी $82.10 की, 82.10 की, इसके ऊपर फिर 82.50 और $83 की तरफ जा सकता है। दूसरी साइड पर आज जो हमारी स्पोर्ट रहेगी वो रहेगी 79.70 की, 79.70 की, इसके नीचे फिर 79.25 तक जा सकता है, और अगर 79.25 ब्रेक करता है तो फिर 79 और $78 की तरफ भी जा सकता है। फिलहाल जो क्रूड ऑयल का ट्रेंड है वो वीक चल रहा है इंट्राडे के लिहाज से। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।